प्रदेश के अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के शमशाद मार्केट में एक होटल में चल रही शादी समारोह में उस वक्त बाधा पैदा हो गई जब एक युवती पुलिस को लेकर वहां पहुंच गई और दूल्हे को अपना प्रेमी बताते हुए शादी को रुकवा दिया, जिसके बाद पुलिस दोनों को थाने ले आई जहां देर रात तक समझौते पर बात चलती रही। मिली जानकारी के अनुसार मूल रूप से खुर्जा के रहने वाली युवती ने एसएसपी से शिकायत की थी कि बुलंदशहर निवासी डॉक्टर जो कि नर्सिंग होम चलाता है उससे उस युवती के 3 साल से प्रेम संबंध है, दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते आ रहे हैं, युवक का पूरा खर्चा भी वो उठाती आई है। नर्सिंग होम खोलने के नाम पर भी उसे 3 लाख रुपए युवती ने दिए थे, लेकिन अब वो बिना बताए किसी और युवती से शादी कर रहा है और उसकी बारात शमशाद मार्केट के एक होटल में आई है। ऐसा है कि इस मामले में ये है कि एक बारात आई थी और उसमें जो बारात आई थी जो लड़का है उसके ऑलरेडी कमिटमेंट थे किसी और बच्ची के साथ। उस बच्ची ने आगे अपनी शिकायत यहाँ पे करी, उसके हिसाब से जो है वो उसको लेकर आए थे। उस बच्ची के सारे प्रूफ्स हैं कि उस लड़के ने जो है वो उनसे भी शादी के वादे करे हुए थे और सारी चीज़ें करी हुई थी। सर वही लड़की जो आरोप लगा रही थी उसने कहीं उससे 5 लाख रुपए भी हॉस्पिटल के लिए लेना था। किसने? लड़की ने लड़के से क्या लिया है क्या नहीं लिया है ये मुझे नहीं पता, वो उनका व्यक्तिगत मसला होगा। देखिए हम लोगों ने तो आके यही समझाया है कि वक्त रहते हुए अगर चीज़ें समझ में आ गई हैं और सामने हैं तो कोई बच्ची हमारी हमारे ऊपर बोझ तो है नहीं। और ये मैं सभी से कहना चाहूँगा कि अगर जबरदस्ती जो है वो किसी की शादी किसी से नहीं करानी चाहिए। नहीं, अब क्या समाधान निकला समस्या का? समाधान कुछ नहीं है, समाधान सीधा सीधा ये है कि क्योंकि उस लड़के ने जो है वो 2 लड़कियों की जिंदगी को तबाह करा है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। मैंने इनके घर वालों से बात करी है और जो इनका नुकसान हुआ है शादी के अंदर जो खर्चा हुआ है उसकी भी जो है वो कहीं ना कहीं से पूर्ति होनी चाहिए। उन्होंने दहेज की मांग करी है, उसके खिलाफ भी जो है वो एक्शन होना चाहिए। अब शादी करेंगे उस लड़के के साथ में? ये इनके माँ बाप का फैसला है, लेकिन हम लोगों की राय यही है कि नहीं करनी चाहिए ऐसी। वहीं जब इस मामले पर एसएसपी ने महिला थाना पुलिस को निर्देश दिया और पुलिस के साथ भेजा तो पुलिस जब युवती को लेकर होटल पहुंची तो वहां शादी की तैयारियां जारी थी। पुलिस और युवती को देख वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। युवती के आरोपों पर दुल्हन पक्ष के लोग दूल्हे संग मारपीट पर आमादा हो गए। हालांकि पुलिस के दखल के बाद मामला शांत हुआ और पुलिस युवती और दूल्हे को लेकर सिविल लाइन्स थाने पहुंच गई, जहां देर शाम तक दोनों पक्ष में समझौते की बात चलती रही। इंस्पेक्टर सिविल लाइन्स के अनुसार अगर बात नहीं बनी तो जो युवती लिख कर देगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से मोहित गुप्ता की रिपोर्ट।